Hey guys and welcome to Filler Form. Sorry for late update guys. मेरा late update आया but अभी भैया जो मामला चल रहा था कि exam होगा या नहीं होगा, तो यहाँ पर मैंने कल एक video बनाया था NT के लिए कि भैया NT कुछ जवाब दो. तो finally यहाँ पर NT ने एक जवाब दे दिया है. NT ने भैया साफ announcement कर दिया है, आज साफ पब्लिक एक नोटिस जारी कर दिया कि आपका एग्जाम होगा. यस गाइज, यहाँ पर NT ने एक नोटिस जारी कर दिया जहाँ पर एग्जाम सीट अनाउंसमेंट करके इन्होंने सभी जो मुद्दे चल रहे थे उनको बंद कर दिया है. बट कहीं ना कहीं अभी कोर्ट में मामला चल रहा है तो उस बारे में बात नहीं करूंगा मैं. अभी बात ये करेंगे कि भैया एग्जाम होगा 21 से लेकर 4 तारीख के बीच में एग्जाम होगा, जिसके एडमिट कार्ड आपको 10 दिन पहले देखने को मिल जाएंगे. तो एग्जाम सीट जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गई है, मैं अपने जो टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा. 2 शिफ्ट में पेपर होगा. पहला शिफ्ट रहेगा 9 से 12 बजे, दूसरा शिफ्ट होगा 3 से 6 बजे. और ये जो एग्जाम है गाइज, ये 21, 22, 23, 24 और 25 को एग्जाम नहीं है, 26 को एग्जाम होगा, 27 को एग्जाम नहीं, 28 को होगा, 29 को है, 30 को है, 31 को एग्जाम नहीं, 2 और 3 को एग्जाम रहेगा. ठीक है, अब गाइस इसकी तैयारी करना चाहते हो आप लोग तो फिलर फॉर्म ऐप डाउनलोड कर लीजिए. फिलर फॉर्म लोगों ने, फिलर फॉर्म चैनल ने आप लोगों के लिए एक स्पेशल कोर्स निकाल दिया है. क्रेश कोर्स रहेगा, 21 दिन का स्पेशल कोर्स रहेगा. ये पेपर 1 या पेपर 2 कोई भी अगर आप ज्वाइन करते हो तो 250 में पूरा पेपर 1 या पेपर 2 आपको मिल जाएगा, एक पेपर. वहीं अगर आप दोनों पेपर ज्वाइन करते हो तो 500 में आपको दोनों पेपर मिल जाएगा, जहां पर लाइव क्लासेस, MCQ, PYQ, मॉक टेस्ट पूरा कंप्लीट मिलेगा. और जैसे इस बार एग्जाम ऑनलाइन होगा तो मॉक टेस्ट भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएंगे. अब यार देखो, अभी मैं उस बारे में बात नहीं करूंगा कि एग्जाम होगा नहीं होगा, बट अभी NT का एक कन्फर्मेशन कि उन्होंने बोला है कि उनकी तरफ से एग्जाम वो लेंगे. अब कोर्ट में मामला चल रहा है बट उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा. बट भाई आप पढ़ना शुरू कर दो, मैंने तो हर एक वीडियो में बोला कि पढ़ो पढ़ो, वो कहीं ना कहीं आपके काम आती है. तो अभी के लिए इतना ही, और गाइस कोई भी अपडेट होगा तो मैं ले आऊँगा, और मंडे से हमारी फ्री ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी.